और देखिए इस वक्त एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, एशियन गेम्स से भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। हमें ये बड़ी जानकारी मिल रही है, हम आपको दे दें, 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सौरभ चौधरी ने जीता है गोल्ड मेडल। शूटर सौरभ चौधरी ने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, एक और गोल्ड मेडल भारत को मिल गया है। शूटर सौरभ चौधरी ने ये कामयाबी हासिल की है, एक जबरदस्त कामयाबी, जहां एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। तो एशियन गेम्स से लगातार भारत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी। अभिषेक वर्मा को ब्रॉन्ज मेडल जहां मिला, वहीं सौरभ चौधरी को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है। शूटर सौरभ चौधरी को ये गोल्ड मेडल मिला है। सीधा रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल का। जी कुंतल, क्या जानकारी और आपके पास? देखिए शानदार परफॉर्मेंस, आप यही कह सकते हैं। 16 साल का लड़का है सौरभ चौधरी, जिन्होंने इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन वो सीनियर लेवल के लिए भी तैयार है, किस तरह से ये दिखा रहे सौरभ चौधरी ने। और 16 साल का लड़का इतना बड़ा एक मंच पर, वो उन्होंने शूट कर रहे थे चाइनीज जापानीज शूटर्स के साथ, जो कि ओलंपिक के मंच में भी कमाल करते हैं। और इस इवेंट जो है 10 मीटर एयर पिस्टल का इवेंट, ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का इवेंट एशियन गेम्स में, क्योंकि टॉप के जो शूटर्स हैं वो एशिया से हैं और चाइनीज जापानीज शूटर्स सभी यहाँ परफॉर्म कर रहे थे। इसके बावजूद जिस तरह से अंडर प्रेशर वो शूट किया, और लास्ट 3 शॉट आप देखिए, वो पीछे था, जापानीज शूटर जो था वो आगे चल रहे थे, लेकिन सौरभ चौधरी 10.3, 10.4, 10.6 स्कोर किया अंडर प्रेशर। शानदार परफॉर्मेंस, और आप कह सकते हैं कि ये दर्शाता है कि किस तरह का शूटिंग का ट्रेनिंग भारत में चल रहा है, और भारतीय शूटर ओलंपिक, अगले ओलंपिक टोक्यो के लिए भी तैयार है ये लग रहा है। और 16 साल का लड़का है, पिछले 4 साल से अच्छा कर रहे थे यहाँ, तो कमाल, ये तो इस कामयाबी में और 4 चांद लगाता है कुंतल। सिर्फ 16 साल में भारत का नाम ऊंचा करते हुए सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल ले लिया। ये बिल्कुल, और शूटिंग एक इस तरह का स्पोर्ट है जो आप 30 35 40 45 साल की उम्र में भी कर सकते हो, तो ये कितने दूर तक जा सकते हैं ये शूटर आप देख सकते हो। और ओलंपिक सिलेक्शन से पहले इनको लिया गया था टीम में जीतू राय के जगह, जो कि टॉप के कमाल के शूटर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जीतू राय, उनके जगह लिया गया था। तो जो शूटिंग फ्रेटर्निटी है वो कह रहे थे कि क्यों इस तरह का सिलेक्शन किया गया, एक ट्रायल की ट्रायल के ऊपर बेस करके इस तरह का सिलेक्शन किया, इस तरह का जोखिम लिया गया कि 16 साल का एक लड़के को आप भेज रहे हैं एशियन गेम्स में, जो कि ओलंपिक स्टैंडर्ड्स का एक कॉम्पिटिशन है, जो कि मिनी ओलंपिक्स कहा जाता है, वहां जाके सामने जो कर दिखाया वो ये भी दर्शाया कि सिलेक्शन जो सिलेक्टर्स थे वो बिल्कुल गलत नहीं थे, जो उनके ऊपर भरोसा किया था 16 साल का एक लड़के के ऊपर। लेकिन सौरभ चौधरी ने दिखाया, सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर प्रेशर इस तरह का शूटिंग करना, लास्ट 3-4 शॉट में बहुत सारे बड़े बड़े शूटर चूक जाते हैं। जीतू राय आपको याद होगा ओलंपिक में भी आगे चल रहे थे एक समय, उनको लग रहा था कि एक मेडल पक्का है भारत के नाम, लेकिन जीतू राय ने आखिरी के 2-3 शॉट में लड़खड़ा गया और इधर उधर मार दिया। तो ये अंडर प्रेशर आर्चरी शूटिंग जैसा टारगेट स्पोर्ट में अक्सर होता है कि आप आखिरी 2-3-4 शॉट में अब अच्छा कर रहे हो, लेकिन इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, पॉइंट 1 सेंटीमीटर इधर उधर कर दिया, और आप मेडल से चूक गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, और जापानी शूटर जो कि आगे चल रहे थे उनको पीछे छोड़कर सौरभ चौधरी ने दिखा दिया कि वो बहुत 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 दूर जाने वाले हैं। बिल्कुल, और देखिए कुंतल, ये तीसरा गोल्ड मेडल है जो भारत की झोली में आया है, पहले बजरंग पुनिया, फिर विनेश फोगट, और अब सिर्फ 16 साल की उम्र में कुंतल ये कमाल करने वाले गोल्ड मेडल लाने वाले देश के लिए शूटर सौरभ चौधरी। जी बिल्कुल, और आप ये मतलब इस बार सभी ऐसा कह रहे थे कि शूटिंग में मेडल तो आएगा लेकिन गोल्ड मेडल कौन लाएंगे, क्योंकि शूटिंग में इस बार बहुत सारे शूटर्स अच्छे प्रदर्शन लेके गए थे, लेकिन शूटिंग में एक ऐसा स्पोर्ट होता है, क्योंकि उस दिन आप कैसा कर रहे हैं वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका प्रिपरेशन अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत मेंटल एडजस्टमेंट इधर उधर हो गया, एक शॉट इधर उधर हो गया इतने बड़े मंच पर, तो आप मेडल से चूक सकते। लेकिन सौरभ चौधरी ने दिखाया कि वो उनका तैयारी सिर्फ अच्छा नहीं था, वो मेंटली भी तैयार थे इस मंच के लिए, और कंपोजर भी उनका सही था इस मंच पर एक मेडल लाने के लिए। और आखिरी मतलब आखिरी 3-4 शॉट्स में जिस तरह से उन्होंने शूट किया, वो एक चैंपियन शूटर ही कर सकते हैं, ये उन्होंने दर्शा दिया है जकार्ता एशियन गेम्स में। जी, और कुंतल ये देखिए सौरभ चौधरी की अगर बात करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कुंतल आप बने रहिए हमारे साथ, देश के लिए तीसरा गोल्ड लेकर आए हैं सौरभ चौधरी। जीतू राय की जगह एशियाड में भेजा गया था सौरभ चौधरी को, 10 मीटर एयर पिस्टल में देश का नाम ऊंचा करते हुए
सौरभ चौधरी, 16 साल के सौरभ चौधरी ने कमाल किया है और एक और गोल्ड भारत की झोली में, अब कुल मिलाकर 3 गोल्ड हो गए हैं। कुंतल, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा मशहूर शूटर जीतू राय की जगह आखिरी वक्त पर सौरभ चौधरी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, प्रेशर तो बहुत होगा सौरभ पर, बावजूद उसके ये कमाल किया उन्होंने। जी बिल्कुल, यशपाल राणा उनको ट्रेन करते थे, यशपाल राणा जो कि भारत के एक महान शूटर है जिन्होंने एशियन गेम्स में कई गोल्ड मेडल भारत को दिलाया इससे पहले, तो यशपाल राणा के अंडर ट्रेन किया है सौरभ चौधरी, उत्तर प्रदेश के 16 साल के लड़का जो है, और कानानी शूटिंग रेंज में पिछले 2 साल से वो एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि कम उम्र में अच्छे शूटर राइफल में ज्यादा होता है, पिस्टल में कम, मनु भाकर वुमेन शूटिंग में और सौरभ चौधरी यहाँ मेंस शूटिंग में, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और फिलहाल वापस एक बार दिखा दिया सौरभ चौधरी ने कि सिर्फ जापान, चाइना इस तरह के जो देश है वही सिर्फ पावर हाउस नहीं है, भारत अभी पावर हाउस है वर्ल्ड शूटिंग में और इन इन देशों को हरा कर भी मेडल ला सकता है भारत। ये है ABP News, आपको रखे आगे।